शाहिद अफरीदी ने भी आईपीएल से मुतालिक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल रहे पाकिस्तान के तो उनके लिए बड़ा नुकसान है, तो जहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स का, वहां पर इस तरह का बयान शाहिद अफरीदी की जानिब से आना, कैसे देखते हैं इसको? आईपीएल की बात कर रहे हैं जी? जी आईपीएल। देखिए आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स कैसे खेल सकते हैं, आपकी बॉर्डर पर फौजें आपस में दस्तों और कश्मीर का मसला एक हॉट इशू है पूरी वर्ल्ड वाइड, और वो पिछले एक साल से लॉकडाउन करके रखा हुआ पूरे एक 2 करोड़ की अक्सरियत को उन्होंने घरों में, तो आप कैसे जाकर वहाँ पर उनकी जो लीग है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? टोटल इरेलेवेंट बयान है, और मौजूदा हालात उसके तनाजर में आपका एक दुश्मन मुल्क है वो आपकी आपके बलोचिस्तान में क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर डिस्टेबलाइजेशन फैलाई हुई है उन लोगों ने, तो हम कैसे जाकर या किस किस्म की देख खेल सकते हैं? ठीक है। तो आईपीएल के हवाले से बात हो रही है, तो रऊफ हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं, मारूफ कमेंटेटर्स भी हैं, वो आईपीएल के हवाले से अपने यूट्यूब पर शोज़ कर रहे हैं, फिर साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमेंट्री पैनल में भी शामिल हैं। हम ऐसा नहीं देखते कि भारत में अगर पीएसएल, यहाँ पाकिस्तान में पीएसएल होती है तो भारत में कोई क्रिकेटर उस पर तबसरा नहीं करता, तो हमारे क्रिकेटर्स ही ऐसा क्यों इसमें आगे आगे नज़र आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली इसमें देखे ना, नेशनलाइजेशन की कमी है, आपने नेशनलिज्म बिल्कुल है ही नहीं है, आपका कोई इंडियन बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कोई कमेंट करते नहीं मिलेगा, कोई तबसरा करते नहीं मिलेगा, और कोई इस पर बात करते नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेफिनेट वो जनरली हमारे वो मुखालिफ और हमारे दुश्मन, वो हमारा सिस्टम कोलैप्स करना चाहते हैं, और उन्होंने कितनी कोशिशें की हैं पास्ट में कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ग्राउंड वीरान हो जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हुए, बलोचिस्तान में देखे क्या इंसर्जेंसी हो रही है, और वो तो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को कोलैप्स करे सिस्टम, और हमारे लोग उनकी जो आईपीएल है उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और उसको उसके बारे में एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं, और टीवी पर बैठे हुए हैं, और अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप हो। तो मेरा ख्याल है कि एज ए नेशनलिस्ट फैरा तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं शायद अफरीदी बयान दे रहे हैं आईपीएल का, तो साथ साथ उन्होंने ये भी बात की थी कि अगर मोदी का दौर होगा तो उसमें पाक भारत सीरीज भी नहीं होगी, तो आपको भी ये लगता है कि होनी नहीं चाहिए पाक भारत सीरीज इस दौर के अंदर? नहीं नहीं अभी तो उसको कोई इम्कान नहीं है, जब तक कश्मीर में लॉकडाउन खत्म नहीं होता आप कैसे खेलते हो? पाकिस्तान कश्मीर एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान उसका शहर है, और कैसे आप कश्मीर के मसले को दरमियान से निकलकर आप एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैचेस खेल सकते हैं, या पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दोस्ताना तालुकात बहाल हो सकते हैं? जब तक कश्मीर में अमन नहीं होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तालुकात का दारोमदार कश्मीर पर है, जब कश्मीर से इंडियन फौजें निकल जाएंगी और कश्मीर कश्मीरियों को दोबारा आज़ादी मिल जाएगी और उनके जो लॉकडाउन सारे उनके बहाल हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप जिस तरह की वर्दी आप तालुकात में किया क्रिकेट मैच खेल सही। ठीक है, अच्छा।